हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्ही फूड। आज की हमारी रेसिपी है लहसुन अदरक का अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लहसुन, अदरक, सरसों का तेल, नमक, हल्दी पाउडर, मेथी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, गुड़ या शक्कर, सरसों और नींबू का रस। सबसे पहले कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथे और उनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इन्हें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, सरसों और उनको अच्छे से फ्राई करेंगे। मगर ध्यान रहे कि पूरा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कम फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हल्दी और लाल मिर्च और उन्हें अच्छे से मिलाएंगे। लाल मिर्च पाउडर आप स्वादानुसार डाल सकते हैं और आप चाहें तो ना भी डालें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जब ये जो अच्छे हमने से फ्राई छील हो के अच्छे से जाएगा रखा तब हुआ हम है। इसमें लहसुन डालेंगे और उसे अच्छे से इसमें मिला देंगे। अच्छे से इसको हम मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अब अदरक। हम इसमें डालेंगे अदरक और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। मगर ध्यान रहे कि हमें इसे धीमी आंच पे चलाना है ताकि हमारा अदरक और और दोनों को लहसुन जल अच्छे से ना मिला जाए। देंगे। अदरक और लहसुन को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और उसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर मिलाएंगे। मिला लेंगे हम नमक को। ध्यान रहे गैस की आंच धीमी हो। अब हम इसमें थोड़ी अब सी हम इसमें शक्कर शक्कर डालेंगे, डालेंगे। गुड़ या शक्कर आप आप चाहें तो दोनों का इसमें इस्तेमाल कर गुड़ भी सकते डाल हैं। सकते हैं, हमने यहाँ शक्कर का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे। अचार में थोड़ी सी खटास के लिए हम नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। मगर ध्यान रहे नींबू 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अच्छी तरह से मिलाना है और जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कम का भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऑयली खाना पसंद नहीं होता। इसे ठंडा होने के बाद हम एयरटाइट कंटेनर में बंद करके 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। और ध्यान रहे कि एयरटाइट कंटेनर प्लास्टिक का ना हो। Thanks for watching our video. Please, if you like our video, please like and subscribe our channel, Nanni Food. और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू।